नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी जिन्होंने सीबीएसई के थ्रू क्लास 12 दी है और वे री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई उन्होंने करा है। एनडीटीवी वेबसाइट पर हमने एक न्यूज देखी है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, अलाइन एडमिशन प्रोसेस एज पर सीबीएसई शेड्यूल सीबीएसई टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। सीबीएसई ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को कहा है कि हमारे शेड्यूल के साथ जोड़कर अपना यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस आप आगे बढ़ाएं। लेकिन उससे पहले हम आप सभी से यह अपील करना चाहेंगे कि हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। In a first, the CBSE announced the class 12 results away ahead of schedule following a Delhi High Court order to complete the process before the undergraduate admissions begin. After confusion cropped up regarding CBSE revaluation schedule and its possible effects on Delhi University undergraduate admission, the board has written a letter to the registrar Delhi University to align the admission process as per the fixed schedule by CBSE. सीबीएसई के री इवैल्यूएशन के शेड्यूल की वजह से स्टूडेंट्स में बहुत कंफ्यूजन हो रही है, उन्हें बहुत घबराहट हो रही है, परेशानी का माहौल है कि कहीं ऐसा ना हो कि री इवैल्यूएशन के रिजल्ट ना आए और दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरने की आखिरी तारीख निकल जाए। इस पर सीबीएसई ने एक लेटर लिखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को और उन्होंने कहा है कि आप अपना एडमिशन प्रोसेस सीबीएसई के फिक्स शेड्यूल के साथ अलाइन कर चले। एज पर द डेट्स announced by the CBSE, the re-evaluation process will start only on May 24th, while as per reports, Delhi is all set to start its admission process anytime soon, which is causing tension for DU aspirants who are planning to apply for re-evaluation. अगर हम डेट्स की बात करें तो री इवैल्यूएशन प्रोसेस जो सीबीएसई ने शुरू करना है वह मई 24 से शुरू हो रहा है, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन प्रोसेस कभी भी शुरू कर सकती है। जो कि वह स्टूडेंट्स जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है उनमें बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल पैदा कर रही है। इन अ फर्स्ट द सीबीएसई अनाउंस द क्लास 12th रिजल्ट्स वे अहेड ऑफ शेड्यूल फॉलोइंग अ दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोसेस बिफोर द अंडर ग्रेजुएट एडमिशन बिगिंस। The board announced the results within 28 days, around 3 weeks before the usual schedule, as the exams had begun on 15 April, had concluded on April 3. CBSE ने इस बार class 12th का बहुत जल्दी result निकाल दिया क्योंकि Delhi High Court ने कहा था कि CBSE की सारी जो भी procedure होता है result से related वह Delhi University के admission से पहले हो जाना चाहिए। इसलिए board ने 28 दिनों के अंदर अंदर ही result declare कर दिया। The CBSE was also ahead of ICSE board which announces the results before it every year. CBSE ने इस बार ICSE board से भी पहले result निकाल दिया, जो कि हर साल CBSE से पहले result निकालता है। The Delhi High Court had asked all boards to finish the result process before the undergraduate admission begin, so there is no hassle about pending results and students being stuck, a board official said on May 2 after the result release. एक बोर्ड ऑफिशियल ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि सारे जो भी बोर्ड्स हैं जिनके अंडर क्लास 12 के बच्चों ने पढ़ाई करी है वे अपना रिजल्ट क्लास वह अंडर ग्रेजुएट एडमिशन से पहले निकाल दें ताकि स्टूडेंट्स में किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना हो। द बोर्ड हैज ऑल्सो एडवांस द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन बाय अ फोर्टनाइट दिस ईयर। CBSE will be completing its re-evaluation process also at the earliest. Now Delhi University has to fix the last date of submission of application form for admission in Delhi University in such a manner that the work of re-evaluation is over prior to last date of Delhi University process. The board said in a statement. Board ne yah baat kahi hai ki CBSE apna re-evaluation ka result bhi bahut jaldi nikal jayega. Lekin दिल्ली यूनिवर्सिटी को यह करना होगा कि जो अपनी लास्ट डेट होगी फॉर्म की सबमिशन की वह इस तरीके से रखे कि सीबीएसई अपना रिजल्ट निकाले और स्टूडेंट्स को समय मिले कि वह अपना रीवैल्यूएशन के बाद अपना जो भी रिजल्ट है वह अपना रिजल्ट अपलोड कर सके, अपने आप को रजिस्टर करवा सके। दिल्ली यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट एडमिशन प्रोसेस अट्रैक्टेड मोर देन 3 लाख स्टूडेंट्स लास्ट ईयर। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें पिछले साल 3 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। Meanwhile, other major boards like Tamil Nadu, Kerala, Telangana,
Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh and Bihar have announced the 12th results in last 1 month. साथ ही साथ तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार बोर्ड्स ने भी क्लास 12th का रिजल्ट लास्ट मंथ निकाल दिया है. दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन डिटेल्स विल रिलीज ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट du.ac.in. दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन डिटेल्स है उनका ऑफिशियल वेबसाइट du.ac.in पर रिलीज हो जाएंगी. मोटे तौर पर हम आपको यह कहना चाहेंगे, वह स्टूडेंट्स जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं और वह सीबीएसई का रीवैल्यूएशन के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, वे घबराए ना. सीबीएसई और दिल्ली यूनिवर्सिटी इस प्रकार से काम करेंगे कि जब रीवैल्यूएशन का सीबीएसई का रिजल्ट आएगा उसके बाद ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी. इसीलिए किसी भी प्रकार की टेंशन ना लें. सीबीएसई भी और दिल्ली यूनिवर्सिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशंस हैं. ये इंस्टीट्यूशन ऐसे इंस्टीट्यूशन है, वह संस्थान है जो स्टूडेंट्स के बेनिफिट्स को हमेशा ध्यान में रखकर ही डेट्स की तैयारियां करते हैं. अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए. नमस्कार.